तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बरमुडा 2.0 यानी बरमुडा रीमास्टर के बारे में। तो गाइस, ये कब आने वाला है, इसकी कंफर्म डेट क्या है, इसका टाइम क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, इसकी फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जो बेल आइकन ऑप्शन है उसे ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस, आपने देखा होगा कि पिछली बार जो OB23 अपडेट आया था उसमें आपको प्ले स्टोर में बरमुडा रीमास्टर देखने को मिला था, और एक डाउनलोड भी आया था आपको, जहाँ पे प्रगति में वगैरह डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आपको डाउनलोड भी आया था बरमुडा रीमास्टर का, जो कि हमारे प्ले स्टोर में आपको देखने को मिला था। तो गाइस, अभी OB24 एडवांस सर्वर का अपडेट आया, जो कि अभी हमारे इसमें आने वाला है बहुत ही जल्द। OB24 फ्री फायर जो मेन है उसमें अपडेट आने वाला है OB24 का, तो उसमें आपको 100% ये जो बरमुडा रीमास्टर देखने को मिलेगा। कब अपडेट आने वाला है मैं आपको बता दूंगा। गाइस, ये अपडेट आने वाला है हमारे 24 तारीख के दिन। तो गाइस, आपको मेंटेनेंस ब्रेक देखने को मिलेगा 24 तारीख के दिन। तो गाइस, उस दिन आपको बरमुडा 2.0 बरमुडा रीमास्टर देखने को मिल सकता है न्यू मैप 24 तारीख के दिन। तो सुबह 8:30 बजे तक ये अपडेट आएगा मेंटेनेंस ब्रेक का। आप 23 तारीख दिन देख सकते हैं न्यूज वाले सेक्शन में, आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस बोर्ड में कि कल अपडेट आने वाला है मेंटेनेंस ब्रेक का। मेंटेनेंस ब्रेक अभी फिक्स नहीं है, मेंटेनेंस ब्रेक होगा ऐसे भी दे सकते हैं। गाइस, जहाँ तक बात करें मेंटेनेंस ब्रेक, तो ये बड़ा मैप है तो मेंटेनेंस ब्रेक तो 100% हो। गाइस, जहाँ तक बात करें कि आपको रैंक मैच में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो गाइस रैंकेड मैच में तो सबसे पहले नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गाइस पहले जो हमारा प्ले स्कोर वाला अपडेट आया था उसमें आपको सिर्फ 2 प्लेस देने दिया जा रहा था, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके प्लेस बढ़ाए गए। इसी तरह जो ये पहले क्लासिक में दिया जाएगा उसके बाद आपको रैंक मैच में देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब अभी टाइम लगा है इसको रैंक मैच में आने में। और इसके अलावा गाइस, कब तक चलेगा, तो गाइस ये मेंटेनेंस ब्रेक 6:30 से 7 बजे तक चलता है, उसके बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले बार आपने डाउनलोड किया था, लेकिन जब की बार थोड़ा बड़ा अपडेट आने आएगा तो उससे आपको थोड़ा डाउनलोड ज़्यादा मतलब MB वगैरह लगेगा। पिछली बार तो आपको प्रगति में जहाँ पे आपको डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आपको दे दिया गया था प्ले स्टोर के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा अपडेट आएगा।